तो फ्रेंड्स, कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है, तो इसको बॉयल होने रख दिया। तो अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालेंगे, मैंने 1 कटोरी डाला है, और हमें 2 टीस्पून इसमें विनेगर के डालने हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो हमारा दूध ज़्यादा फट जाएगा, हमें मतलब दूध को अच्छे से नहीं फाड़ना, बस उसके थोड़े थोड़े जैसे लम्स होते हैं ना, मतलब थोड़े दाने दाने जैसे वो होने चाहिए। तो इसको हमें अच्छे से मिलाना है, तो इसको हमें बिल्कुल भी मतलब रुकना नहीं है, इसको कंटिन्यूसली हमें स्टर करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी 1 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब कैसे दाने दाने से हो गए हैं दूध के, ये पनीर जितना नहीं फटा पर जितना हमें चाहिए वैसा है, इतना ही ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, इतने दाने होने चाहिए हमारे। तो इसको कम से कम आधा घंटा मैंने ऐसे कंटिन्यूसली स्टर करा, आप देख सकते हैं दूध कितना कम हो चुका है इसमें से, और ये हमारे दूध का जो छैनी बोलते हैं जिसको, वो रहेगी सिर्फ। तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, अभी भी हम बिल्कुल भी रुकना नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल इसमें से ना के बराबर ही बचा है, तो इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ दी हुई है इसने। तो अब इसको जरा सा और करेंगे हम, जो इसमें थोड़ा सा दूध बचा है वो भी, ताकि कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। अब इसको हम अपनी कढ़ाई से एक बाउल, तो ये बाउल में निकालने लाइक हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बाउल के अंदर निकाल लिया है, और ये बाउल आप पहले नीचे से ग्रीस कर सकते हैं घी से, या फिर आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं उसकी बजाय। आप देख सकते हैं अच्छे से फैल चुका है इसके अंदर, और हमें इसको 1 से 2 घंटे फ्रिज के अंदर रखना है, या फिर अगर आपका ज़्यादा ढीला तो वैसे। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है, और कितने में देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो आप एक बार कुछ पॉइंट, तो यहाँ हम कुछ ज़रूरी पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें शुगर अपने हिसाब से डालनी चीनी, और हमें थोड़ा सा सिरका डालना वरना ज़्यादा फट जाएगा दूध। इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, और 1 से 2 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है इसको। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।